And so I thought that was super cool. Yes, next please. Hi, Shandil. Hi, I'm Vithi. Please go ahead with the question. Yes, sir. Yeah, hi, Shandil. Towards your right, this side, Aditi here. Yes. Hey, hi, Aditi. Hi, how are you? I'm great, how are you? I'm great as well. The trailer looks absolutely amazing. I have to ask you this. In India, the quality of movies and especially action-related movies now, they are very much compared to Hollywood movies as well. And because of that, the amount of authenticity which Indian movies bring in action, it gets overshadowed. So do you think a film like Bloody Daddy can bridge that gap and, you know, bring out that potential in the Indian movies when it comes to action genre? देखिए फर्स्टली तो मैं कोई ऐसे टॉल क्लेम्स कि हमारी फिल्म कुछ रीडिफाइन कर रही है, आई थिंक अच्छा नहीं लगता. हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है. जैसे अली ने कहा कि दिस इज मेड फॉर एन ऑडियंस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ओटीटी गेट्स कंज्यूम्ड यू नो एवरीवेयर साइमल्टेनियसली. तो ऑफकोर्स उनके माइंड में ये होगा, बट आई थिंक अली का एक्शन यूजली बहुत ही ग्रिटी और बहुत ही एजी और न्यू एज होता है. इसमें बिकॉज हमें सर्टन जॉनर की फिल्म बना रहे हैं, वी गॉट मोर टुवर्ड्स रियल, बट उस रियल के अंदर अली का फ्लेवर तड़का आते रहता है. एंड एक्चुअली दैट्स व्हाट मेक्स इट वेरी एंजॉयबल. कि ऑन वन हैंड ऐसा भी है कि आपको लगता है ये एक्चुअली हो रहा है, ऐसा नहीं लगता है यार ये सिर्फ फिल्मों में हो रहा है, पर उसका जो एक जो जो एक एड्रेनलिन रश मिलता है, जो एक मजा आता है, क्या यार मजा आ गया. आई थिंक इस फिल्म में उन्होंने उसको कंबाइन करने की कोशिश की है. एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग यूएसपी फॉर द वे द एक्शन. दैट्स व्हाई ज्यादातर सवाल जो आ रहे हैं वो इसकी स्लिकनेस के बारे में या इसके एक्शन के बारे में ही आ रहे हैं. बिकॉज इट्स आई थिंक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लुकिंग फिल्म. इट हैज वेरी फ्रेश काइंड ऑफ विजुअल ग्रामा, सिनेमैटिक ग्रामा. और एक्शन थ्रिलिंग मुझे भी पर्सनली पसंद है. अगर एक्शन में इमोशन ना हो, अगर एक्शन के अंदर फीलिंग नहीं आए कि कैरेक्टर घुसा हुआ है उस सिचुएशन में, तो मजा भी नहीं आता. सो वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड आई थिंक इंडियन फिल्म्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. और जो हिंदी फिल्म दे सकती है ना, वो हॉलीवुड फिल्म नहीं दे सकती. शायद हम थोड़ा सा भूल गए कुछ टाइम से, लेकिन यू नो वो आएगा आएगा. अच्छी फिल्में आएंगी तो वो फीलिंग वापस आएगी. हम हिंदुस्तानी हैं, हमें बाहर जाके यू नो चाइनीज खाना और ये सब अच्छा लगता है, लेकिन घर आके जो अपना घर का खाना है, यू नो दाल मखनी जो होती है ना, दाल मखनी होती है, उसका जो मसाला होता है, उसका मसाले का टेस्ट ना वो बाहर कहीं मिलता नहीं है. तो हो सकता है बेहतर फिल्में बनाने का टाइम आ गया है, लेकिन इस फिल्म में वो सब मिलेगा, हिंदुस्तानियत भी मिलेगी, विच इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस फिल्म. In fact, you know, if I may just add, and I really like when he says that there is no tall chain or there is, you know, it's very nice that when your film on the public domain is compared or drawn a parallel to a nice action flick, you know, they're comparing it. But the whole idea for them to partner, you know, the creative energies was the relentlessness in the action, which I feel has not been seen lately, and especially when everybody's confined to home. तरह तरह के एक्शन होते हैं जैसे अभी नहीं कहें, बट आई फील दिस इज अ लिटिल जॉनर ब्रेकिंग. एंड वो रिलेंटलेसनेस जो है, इफ दैट कम्स आउट वेल एंड इफ ऑडियंस इज ग्रिप्ड, जॉब हैव डन. हेलो सर. मानशु हाय, अमित हियर फ्रॉम दैनिक भास्कर आपके सामने. मानशु आपने कहा कि हमें मतलब इसमें रीच चाहिए ऑडियंस की, मतलब ऑडियंस की रीच चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब जगहों पर ये फिल्म देखी जाएगी. लेकिन एक चीज हुई थी दिनेश विजन के साथ, जब उन्होंने स्त्री को थिएट्रिकल रिलीज से पहले ही मतलब ओटीटी को दिया था, वो सिर्फ 9 करोड़ में बिकी थी, जबकि उस फिल्म ने थिएट्रिकली 100 करोड़ 150 करोड़ से ज्यादा किया था, राइट. और ये फिल्म एक हेवी बजट की फिल्म, ठीक. तो वो चीज क्यों नहीं आपके जहन में रही कि मतलब क्यों ना 100 करोड़ क्लब में हम इसे एंटर करवाएं, रादर दैट मतलब जियो के लाए, या जियो ने उतना दिया है. Good question. Like I said, you know, when anybody is setting out, as you and I only speak on behalf of you and three of us, आपको जब किसी चीज एक कहानी कहनी होती है तो first thought आता है कि क्या कहानी आपको कहनी है. और of course, you know, as makers, as content, you know, content makers and creators, we always want reach which maximizes to people, thereby justifies all that we have spent on the film. And everybody should be, you know, in a win-win position. अगर एक platform किसी product पे, किसी director पे, किसी brand actor पे एक चीज invest करता है, तो चीज hit इस मामले में तब करार की जाती है कि when you have recovered your monies and everybody's made. So
when this, like I said, you know, agar aap isko 2 saal peeche le jaye, when things were shifting, people were, the viewing patterns were shifting, it was very important for mainstream, and when I say mainstream is, people jinki reach wide hai, jinhone apne kahani se bahut logon ko, you know, reach kiya hai, a star who has a great social media presence, if they are radically thinking to partner on a film and bring something to the audience who's sitting there during that COVID wave. That was one way to look at it, and come to think of it, 2 saal pehle, you know, Jio had this vision and broad plan to sort of put in their money where their mouth is and partner with an A-team to bring this so that maximum log ise dekhe inke platform par. Aap sab log IPL dekh rahe hain Jio Cinema pe, it's hamari khushkismati ki hum wahan hain. And now when this film is there, so this is bringing that subscription base, this is bringing the traffic there, so it solves the purpose in business sense for makers, for producers, for actor, your artists out there, everything is sort of justified because you're bringing them traffic, or wo traffic kab aayegi jab aapka content unko invite karega, audiences dekh rahe hain. So I think it's sort of justified, और हर फिल्म को उस तराजू के लिए तोला जाना चाहिए कि ये X करे या X करे. I think it's a win-win for everybody. Just to add to that, I say, Ali, अगर ये online आ जाती है, जैसे OTT पर आती है, क्या फिल्म मेकर वो Saturday और Sunday ऊपर relax कर सकता है, या उस समय भी भाई कोई anxiety रहती है कि यार क्या हो गया, क्या picture का क्या हुआ? देखिए, I always say that the quantification of numbers is the love that you get for your product. प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है, और वो आपके प्रोडक्ट को जब मिलता है आपको पता चल जाता है, चाहे वो बॉक्स ऑफिस हो चाहे वो ओटीटी हो. As Himanshu said, जो सबसे जरूरी चीज है जो लोगों को अब समझनी चाहिए वो ये है जो मैंने पहले भी बोला कि हम प्रोजेक्ट नहीं बनाते, हम फिल्में बनाते हैं, और फिल्म की सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है उसकी स्क्रिप्ट, उसकी कहानी. अब वो कहानी डिसाइड करेगी कि ये फिल्म ओटीटी पे आनी चाहिए या थिएटर पे आनी चाहिए, ठीक है. और 90% कंफ्यूजन ही यहाँ हो रहा है कि अब जब हम सर्टन फिल्में बना रहे हैं वो बॉक्स ऑफिस पे बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे, तो हम ना फिल्म मेकर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये पिक्चर फ्लॉप हो रही. पिक्चर फ्लॉप नहीं हो रही, क्या वो कहानी सही जगह पर आई या नहीं है. एज आई सेड, कोविड ने सब कुछ बदल दिया, हर इंडस्ट्री को बदल दिया है. हम एंटरटेनमेंट इज एन इंडस्ट्री, तो हमें अपने दिमाग के साथ एक सलाहियत से एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहानी है क्या, उसकी 100% जस्टिफिकेशन एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे होगी जो एक पर्सनल व्यूइंग प्लेटफॉर्म है. When I say OTT, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख रहे,